कार्यक्रम है और कैसे पूरा कार्यान्वयन होगा? हिंदी भाषी महासंघ की स्थापना 2017 मार्च में हुई थी, 5 साल पूरा हुआ है और हिंदी भाषी 5 साल से काम कर रही है। ये रजिस्टर्ड संस्था है, चैरिटी कमिश्नर के अंदर रजिस्टर्ड है और 5 साल से हर साल आप लोगों का सम्मान करना, इतना बड़ा कोरोना काल गया है उसके अंदर जितने लोगों को भी मदद की ज़रूरत थी हमने सबको मदद किया है और संस्था की तरफ से किन्हीं हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, भोजन की ज़रूरत थी, उनको ट्रेन की ज़रूरत थी, आवास की ज़रूरत थी, जहाँ भी जिसको मदद थी, पूरे देश में कहीं भी कोई फंसे थे, जहाँ से भी किसी को कोई समाचार मिलता था हिंदी भाषी लोग और हिंदी भाषी महासंघ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, सारे जो पदाधिकारी थे वो सब लोग लग गए थे और सब लोग खूब बढ़िया काम किया था। और उसी के सिलसिले में ये संस्था को हम नया डेवलप करने के लिए आज अहमदाबाद शहर का पूरा, पहले से शहर तो था लेकिन इसको विस्तृत रूप से हम आज नए रूप रंग से, 5 साल हुआ इसलिए हम नया कारोबारी नया सब कुछ बना रहे हैं जिसे नई जोश और नया उससे सब काम करें। अभी पूरे गुजरात में हम सभी जिलाओं में कर रहे हैं इसका आयोजन। आज हम बड़ौदा और अहमदाबाद के जिला का हम यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। पूरे गुजरात में हम हर जिला में हिंदी भाषी महासंघ बनाएंगे और हिंदी भाषी महासंघ का पर्पस ही यही है कि जो लोग जितने भी संस्थाएं बनती हैं गुजरात में तो अपनी जाति अपने धर्म के नाम से संस्था बनती है। हमने पूरे हिंदुस्तान से जो भी बसे हुए हैं गुजरात में, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के कोई भी है, किसी का न जाति पूछा जाता है न किसी का धर्म पूछा जाता है, मात्र हिंदी भाषी हो पर प्रांत, उन सभी के लिए हमने संस्था बनाई है और वही पर्पस है हमारा कि किसी एक जो क्षत्रिय बना देते हैं, ब्राह्मण का बना लेते हैं कि जो भी बनता है, वैसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी प्रांत के लोगों को इसके अंदर समावेश करते हैं। हमारा काम है कि हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं या बाहर के लोग बस यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अचानक कोई तकलीफ़ पड़ती है तो उनको कोई सुविधा में असुविधा हो रही है, नहीं मिल रहा है, यदि हमारा संपर्क करते हैं तो हम उसमें पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं उनको और जहाँ तक होता है हम उनको मदद करते हैं। जी जरूर रहेगी, हिंदी भाषी महासंघ टिकट भी मांगेंगे। हम हिंदी भाषी का एक एम भी है कि अच्छे नेता तैयार करना, अच्छे लड़कों को जिनको इंटरेस्ट है राजकारण में जाना, उन लोगों को राजकारण में जाने के लिए हम जरूर उनको प्रेरित करते हैं, उनको सारा देते हैं, मतलब प्रोत्साहन देते हैं, उनको सुविधा देते हैं, उनको सिखलाते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्लस हमने हिंदी भाषी की तरफ से रूपाणी सरकार में हमने एक कॉरपोरेशन की मांग की है हिंदी भाषी का बोर्ड कॉरपोरेशन बनाने के लिए, जिस तरह से बाकी जाति के लिए है उस तरह से हमने हिंदी भाषी के लिए भी बोर्ड की मांग की है। रूपाणी जी ने प्रोसीजर भी किया, फाइल भी चली है, लेकिन अभी नई सरकार में कुछ मालूम नहीं पड़ा क्या हो रहा है, तो हमने हमारी मांग पूरी की है कि भाई हम बनावे और ज़रूर राजकारण में जो हमारे 2019 में जो 16% 18% हिंदी भाषी थे तो लगभग 3 साल में 4 साल में अभी 20% के आसपास पूरे गुजरात में हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी एक बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं और योगदान देंगे, तो हम जरूर हम उसमें भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और जो भी हमारे तरफ से खड़ा होने वाले होंगे जिस भी पार्टी में, उनको हम मदद कराने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको आगे लाने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपने कहा कि भी किसी को दिक्कत हो, किसी को तकलीफ हो तो हमारा संपर्क करें, तो आपका संपर्क किस तरह से किया जाएगा? हमारा संपर्क है ही, हमारे हिंदी भाषी का पूरा साइड है, लोग हमको जानते हैं, हमारी टीम को पूरा जानते हैं और जैसे हमारे महामंत्री है सूरत में रहते हैं अरविंद सिंह, ये अहमदाबाद में जो अहमदाबाद शहर के मंत्री थे महामंत्री वो अहमदाबाद में रहते हैं, तो ये हमारा नंबर सब जगह जग जाहिर है, लोग हमसे संपर्क करते हैं और हम उनको पूरा मदद करते हैं। आज के हिंदी भाषी जो बाहर से आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की ज़रूरत क्या होती है, मेडिकल की ज़रूरत होती है, तो हम मेडिकल के लिए उनको हर समय रात दिन हम तैयार रहते हैं, जहाँ भी उनको जो ज़रूरत होती है हम ज़रूर करते हैं। ये कोरोना काल आया था जिसमें लोग हर तरह से फंस गए थे, 18 में जो हिंदी भाषियों को यहाँ से पलायन कराया जा रहा था उस टाइम पर हिंदी भाषी महासंघ सबसे बड़ा काम करके अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जो हिम्मतनगर में हुआ था वह सब जगह मिल करके
उसमें सरकार ने हमको पूरी मदद की थी, रूपाणी सरकार ने पूरी मदद की थी, मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया था, सारा हम लोग हिंदी भाषी को रोकने के लिए, कोई फैक्ट्री कारखाना बंद ना हो इसके लिए हमने पूरी कोशिश की थी, लोगों को रोकने के लिए हमने पूरा सब व्यवस्था किया था और रोका गया था। इसका हमारे पास लिस्ट अभी नहीं है, लेकिन हमने किया है और लगभग हमने कोरोना काल में 400 लोगों को मदद किया था। सरकार ने भी किया था, जो सभी लोग सरकार के पास नहीं पहुंचते, पहुंच नहीं पाते हैं। पत्रकार लोग भी सरकार के पास से पहुंच के कुछ काम नहीं करवा पाए थे, तो हम लोग भी कोशिश किए, हम पत्रकार की मदद से कोशिश करते थे कि कहीं से भी हो जाए और कुछ हमारे हमको मदद करे। आज अनिल पटेल जैसे पत्रकार हैं, ये लोग आज 20-20 साल से यहाँ हैं, सब लोग जानते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के हमने मदद करवाई पूरी लोगों को, लोगों ने किया। मैं अरविंद कुमार सिंह हिंदी भाषी महासंघ का महासचिव हूँ और आज के इस गुजरात में नए पदाधिकारी की नियुक्ति के शुभारंभ पर आप लोग जो पधारे हुए हैं, आप सबका, सभी मीडिया बंधु और तमाम मेरे नए पदाधिकारी और हिंदी भाषी के सभी गणमान्य जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक प्रश्न आपके मीडिया बंधु से आया था, अध्यक्ष जी जिसका जवाब दे रहे थे, हिंदी भाषी महासंघ जैसे एक प्रश्न था कि कैसे यह जाना जाए कि आप तक कैसे पहुँचा जाए कि आप मदद कर पाएंगे। कोरोना काल में हिंदी भाषी महासंघ के महासचिव के हैसियत से सोशल मीडिया का मैं शेयर करूँगा आपको, हमने नंबर जारी किया था, हेल्पलाइन नंबर, और आपके मैं आपको मैं वह डाटा दूंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, बेंगलोर माने मिरर बेंगलोर ने, देश की नामी गिरामी जो मीडिया जगत के पत्रकार हैं उस कार्य को सराहा था और मैं उसको कॉपी आपको उपलब्ध कराऊंगा। देश के कई हिस्सों में जहां हमारे हिंदी भाषी लोग कई प्रांतों में अचानक ये विश्व में जो वैश्विक महामारी कोरोना काल आई उसके चलते फंसे हुए थे, एक हमारे मीडिया के साथ ही कह रहे थे कि सरकार ने भी मदद की। सरकार का तो दायित्व ही है मदद करना, लेकिन सरकार से अलग हटकर हम हिंदी भाषी महासंघ के लोग, उसके पदाधिकारी और जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जिस तरीके से हम लगे रहे, ये हमारे संस्था का परिचय है और ये हमने एक मानवता के रूप में मिसाल पेश की। और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि गुजरात के पावन भूमि पर भी और भी अनेक संस्थाएं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो हमारा एक ये तरीका था लोगों को मदद करने का, पहुँचाने का, और आज मैं बहुत गर्व के साथ यह कह सकता हूँ कि हिंदी भाषी महासंघ के संज्ञान में इस प्रदेश में और इस देश में जब भी कोई समस्याएं उठाई गई, और मैं उसको आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, उसका एविडेंस दूंगा, जो बोल रहा हूँ उसकी सत्यता दूंगा, उसकी कॉपी दूंगा कि हम लोग मदद करते हैं। चाहे कोई वैसा नौजवान जो नौकरी पैसा के नौकरी चाहता है, उसको हम यहाँ गुजरात में जो प्रतिष्ठित कंपनियाँ हैं उसमें नौकरी लगाने का काम करते हैं। हमारे हिंदी भाषी महासंघ की तरफ से सूरत में एक ऑफिस रखा गया है, आप पता करेंगे, बिहार या किसी भी प्रदेश से जो लोग आते हैं, अगर उन्हें रोजगार देना है, पहले उनको रोजगार की व्यवस्था की जाती है। अगर किसी कारणवश वह काम उन्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें जहाँ से आए हैं वहाँ जाने की टिकट दी जाती है और निःशुल्क टिकट और रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। तो हिंदी भाषी महासंघ इस तरह से लोगों का काम करता है और इस तरह से हम हमेशा लोगों के लिए मदद स्वरूप उपलब्ध हैं। इसीलिए आज के पुनीत अवसर पर आज यह जो मीटिंग बुलाई गई है, जैसे अध्यक्ष जी ने आप लोगों से बताया है कि आज हम अहमदाबाद शहर के अध्यक्ष और वहाँ के नई कमेटी की नियुक्ति होने वाली है, साथ साथ में बड़ौदा के भी अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है और भी कई हिंदी भाषी महासंघ के पदाधिकारी की नियुक्ति हो रही है। इसी शुभ अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।